लोकसभा की पहचान बागी और बिहड़ों से जानी जाती रही है। समय के साथ बागी तो रहे नहीं, लेकिन बिहड़ अभी भी बाकी हैं। इस लोकसभा में दतिया और भिंड दो जिले आते हैं। इलेक्शन वाले माहौल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बिहड़ वाली लोकसभा में विकास की कितनी इबारत लिखी गई और ग्राउंड जीरो की सच्चाई क्या है। भिंड की पॉश कॉलोनी है, हाउसिंग कॉलोनी, जहां पर हम आए हैं क्योंकि लोगों से बातचीत करेंगे। ये कोचिंग हब है, जो हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग कॉलोनी जो है उसे भिंड का कोचिंग हब माना जाता है। कई तरह के कोचिंग सेंटर यहां पर हैं, जो कंपटीशन अलग अलग क्लासों के तो कराते ही हैं, कंपटीशन जो जॉब को लेकर होती है उसकी भी तैयारी कराते हैं। हमारे साथ यहाँ के टीचर्स हैं जो बच्चों को तैयार करते हैं। क्या अगर मैं आपसे बात करूं, आप तो बच्चों को तैयार कर रहे हो उनके भविष्य की दृष्टि से, क्या भिंड को तैयार किया यहाँ के नेताओं ने? अगर बात की जाए, लगातार 35 सालों से हमारे यहाँ पर MP जो हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, और भिंड ने सब कुछ दिया है BJP को, मतलब ट्रिपल इंजन की सरकार दी है। मतलब कहने का मीन्स है, आप केंद्र में भी दिए हैं, राज्य में भी दिए हैं, और नगर पालिका भी भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन आप भिंड में, आप थोड़ा सा इस कॉलोनी के अलावा आप कहीं भी जाएं, तो आपको नज़र आएगा कि वो डेवलप्ड जो एक ज़िले को होना चाहिए, वो इस प्रकार से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ प्रतिनिधि हैं, वो विकास को लेकर गंभीर नहीं है? नहीं, अपन ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि पहले से भिंड काफ़ी डेवलप हुआ है। जो कोई भी एक हर चीज़ की प्रोसेस होती है, भिंड सिटी जो पहले थी उससे तो हम ये देखें, हम यहाँ 22 साल से काम कर रहे हैं, बाहर के हैं, लेकिन हमने जब यहाँ पहले आए थे उससे अब तो हमें तो परिवर्तन दिखता है। बिहड़ वाली जो इमेज है उससे छुटकारा मिला है यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल मिला है। वो तो फालतू में लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बिहड़ हैं, लेकिन अगर वास्तव में बात की जाए तो सरकार से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। छोटी मोटी समस्याएं बनी रहती हैं, वो जीवन है। भगवान से भी 100% लोग सेटिस्फाई नहीं होते, लेकिन अपने चंद्रयान का पहुंचना, राम से भगवान श्री राम का मंदिर बनना, मतलब जो कॉन्सेप्ट जो अक्सर वोट मुद्दा हुआ करते थे वो पूरे ख़त्म कर दिए हैं। और बदलाव हर क्षेत्र में है, हर जगह में है। यहाँ सड़कें नहीं थी, उबड़ खाबड़ गिट्टियाँ थी, आज यहाँ पर शानदार रोड़े बनी हुई हैं, लाइट कभी जाती ही नहीं है। बदलाव दिखाई दे रहा है? नहीं, काफ़ी बदलाव है। हमारा तो जन्म ही भिंड में हुआ है, हमने यहाँ सब कुछ देखा है। यहाँ जिस तरह से पहले रोडें काफ़ी उबड़ खाबड़ हुआ करती थी, रोडों का काफ़ी विकास हुआ है। ये भिंड का मार्केट है, सही चौक जगह है इस मार्केट, जो सही चौक है। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो भिंड के निवासी हैं, भिंड के व्यापारी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले, क्या सच में काम हुआ है यहाँ पर? सर, मिला जुला काम कह सकते हैं, कोई ज़्यादा विशेष काम नहीं हुआ है यहाँ पे। और अभी व्यापारियों के प्रति कुछ यहाँ गुंडागर्दी का माहौल बढ़ गया है, इससे बहुत परेशान है। अभी दुकानें भी जल्दी बंद होने लगी हैं। आपको क्या लगता है, व्यापारी सुरक्षित है या व्यापार के लिए यहाँ पर कुछ काम? व्यापारी जो यहाँ है, एक किलो में ये डिस्ट्रिक्ट बहुत पुराना है बैंक, लेकिन इसको देहात बना के छोड़ दिया गया है। जो देहात में जिस तरह की परेशानियाँ रहती हैं, वो परेशानी आज भिंड में भी है। कोई विकास नहीं हुआ है, कोई जो है यहाँ पे जो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जो बिल्कुल बस्ट जगह है। बाहर के लोग संबंध करने ही नहीं आते बच्चों के, कई बच्चे बेचारे हमारे यहाँ कुंवारे बैठे हैं, ये स्थिति यहाँ है। और अरे सभी कुंवारे हैं यहाँ, हम भी कुंवारे हैं, ये समझ के चलिए यार, यहाँ बहुत परेशानियों का अंबार है। और इसका जो है, हमें कोई निराकरण दिखाई नहीं देता। 30-40 साल से भाजपा है यहाँ, और BJP ने अभी तक कोई काम नहीं किया यहाँ पर, कोई काम नहीं किया BJP सरकार ने यहाँ पर। विरासत टैक्स की बात आ रही है, तो आपको लग रहा है कि अगर सरकार चेंज होती है तो विरासत टैक्स? नहीं नहीं, ये केवल जो सैम पित्रोदा ने जो बात रखी है वो अमेरिका का पैटर्न दिया है। लेकिन बात सोचने वाली बात यह है कि इस चुनाव के टाइम पर इस तरह की बात करने का क्या औचित्य है? क्यों इस तरह की बात की गई कि लोगों को भ्रमित करने के लिए कि नई सरकार आएगी पुरानी आएगी? हालांकि हम लोग एक व्यापारी हैं, तो चूंकि मैं चाहूँगा कि व्यापार से संबंधित अगर बात की जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। और व्यापारियों के लिए आप देखिए, सरकार की कोई भी योजना बनती है उसके लिए सरकार आके चला कौन रहा है? सरकार की धुरी है हम व्यापारी, हम व्यापारियों के टैक्स से, हम व्यापारियों के रेवेन्यू से पूरी सरकार चलती है। लेकिन सरकार जितनी भी योजनाएं लेके आती है, आप देखिए, जो कोई काम नहीं करते निढल्ले उन लोगों के लिए योजनाएं लेके आती है। हम अगर टैक्स प्रदाता हैं, हम लोग अगर सरकार चलाते हैं, हम लोगों के पीछे सरकार चल रही थी, एक बार हमसे भी तो पूछा जाए करे कि भैया ये योजना ला रहे हैं, हम लोग की मीटिंग हुआ करें, हम लोग बैठा करें, भैया इस पैसे को आपका टैक्स है, इसको हम कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे ग्लोबल स्तर पर हमारे भारत का नाम ऊंचा हो? ऐसा तो कहीं होता नहीं। केवल उनके लिए कोई साड़ियाँ बांट रहा है, कहीं उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी की, वो सॉरी, महिलाओं के लिए ये योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, इसको बांट रहे हैं।
या आरक्षण के तौर पर उनको सुविधाएं दे रहे हैं। हमको आखिर सरकार क्या सुविधा देती है जबकि सरकार हम लोग चलाते हैं। भिंड में क्या होना चाहिए, क्या चाहिए? भिंड बहुत पिछड़ा हुआ है, 40 साल हो गए हैं भाजपा को आए हुए, लेकिन यहाँ पे ना तो आज तक कोई प्रगति हुई है और ना कोई कार हुई है। ट्रेन भी नहीं चली अभी तक। ट्रेन गया, एक ट्रेन है, आ जाओ उसी से चले जाओ। गोलगप्पे खा रहे हैं बड़ा छटकारे के साथ, मसाला ज्यादा है? नहीं है भैया, बहुत बेस्ट बना है। राजनीति यहाँ की? राजनीति तो बकवास है, यहाँ की कुछ नहीं है, कोई नेता नहीं करता है यहाँ भिंड में कुछ भी। मसाला नहीं है? उसमें मसाला नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ आदमी परेशान है, ट्रैफिक में फंस जाए तो फंस ही जाए, वो रात हो जाएगी उसको, सुबह के निकलेगा तो रात को पहुंचेगा घर पे। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, सब है, सब चल रहा है। बहुत पिछड़ा हुआ देश है। बोलो कैसे उठेगा? वोट नहीं पाएगा, नेता छापी नहीं उठना, यहाँ की नेता छापी नहीं उठना, कोई विकास ही नहीं। जनता तो वोट दे ही रही है, जनता बेवकूफ़ वोट दे रही है, जनता वोट दे ही रही है पर विकास कुछ नहीं है। जैसे भैया यहाँ के युवा सबसे ज़्यादा फौज और आर्मी में जाते थे, लेकिन जब से अग्निवीर योजना कर दी गई है अब वो लोग जो जाते थे अब उन लोगों के मनोविज्ञान उनकी बिगड़ चुकी है, तो इसलिए वो अब शहर में अपराधी तत्वों में लीन हो रहे हैं। क्या स्वाद आ रहा है इसमें? बढ़िया, शानदार। और भिंड में स्वाद है? बहुत ज़्यादा। किस तरह के स्वाद है, काम हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखो धीरे धीरे हो रहे हैं भले, लेकिन हो रहे हैं। अपन ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ है। देखो धीरे धीरे रोडें सुधर रही हैं, साफ सफाई व्यवस्था सुधर रही है, मीठे के साथ मीठे का स्वाद, मीठे का स्वाद भी है। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं सुधर रही है, शिक्षा सुधर रही है, अभी हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट आया है, आप देख लीजिए बच्चों ने अच्छा किया है। तो ऐसा नहीं है सब कुछ खराब ही है, चल रहा है धीरे धीरे। अपन क्या है, विकसित है, हो रहे हैं, धीरे समय लगेगा, पिछड़े हुए हैं, नीचे से ऊपर आए। ठीक है, सरकार कितना भी ताकत लगा ले, समय तो लगता है किसी भी काम में। नया पूरा मोहल्ले में हम आ गए हैं, जहाँ पर कभी जो कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, काजी साहब हमारे साथ हैं। काजी साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, भिंड की बात लोग करते हैं, सरकारें आती हैं वो कहती हैं कि हमने काफ़ी सारा काम किया, आपको लगता है सच में काम हुआ है यहाँ पर? ऐसे काम तो होते हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर जो काम होना चाहिए वो नहीं होते हैं, तो उसमें थोड़ा तवज्जो ये देना चाहिए कि शहर का विकास कैसे हो। आपको लग रहा है क्या होना चाहिए भिंड में? विकास होना चाहिए बढ़िया। किस तरह का? इस तरह का होना चाहिए कि जी गंदगी है जी साफ हो जाए बिल्कुल, जिन जहाँ लोग वहाँ बैठते सर दारू वारू पीते हैं, ये अच्छा भी नहीं लगता। यहाँ विकास के नाम पर केवल यहाँ पर कुछ नहीं होता, आप एक पूरे बाजार में चले जाइए, पूरे बाजार में कहीं भी एक लेडीज के लिए टॉयलेट की तक व्यवस्था नहीं है पूरे बाजार के अंदर। सरकार कहती है शौचालय बन रहे हैं, कहीं आप है, कहीं, नहीं है। कहीं नहीं है पूरे बाजार के अंदर, तुम सदर बाजार में पूरे में घूमे आओ आप, कहीं भी व्यवस्था नहीं है ऐसी कि लेडीज को किसी को पेशाब लगे कोई कर ले। भिंड ऋषि की तपोभूमि भिंड लोकसभा क्षेत्र शुरू से ही बीजेपी का गढ़ रहा है। बीजेपी ने यहां से कई बार प्रत्याशी बदले, लेकिन यहां की जनता ने बीजेपी को कभी नहीं बदला। लेकिन इस बार कांग्रेस ने यहां से कद्दावर नेता फूल सिंह बरैया को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा है, और राहुल गांधी ने भी यहां पर अपना पूरा जोर लगा दिया है। इसलिए अब देखना होगा कि इस बार भिंड की जनता बीजेपी के साथ बगावत करती है या फिर एक बार मोदी की गारंटी पर विश्वास करती है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ यतेंद्र शर्मा, भिंड, न्यूज 18 इंडिया।